कल दो बम ब्लास्ट हुए, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए किया गया? आज हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी और मैं यहाँ आए हैं राहुल गांधी जी की ओर से, भारत जोड़ो यात्रा की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। जो लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में हैं, नरवाल में जो दो ब्लास्ट हुए कल सुबह, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने, वो कैसे उनका देखभाल हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए तो हम कुछ मिनट यहाँ बिताए हैं। कल उसी जगह से भारत जोड़ो यात्रा जाने वाली है, इसीलिए हमारे लिए भी ये चिंता की बात है। हम विश्वास रखते हैं कि प्रशासन यहाँ राज्य में और केंद्र में सुरक्षा के नज़रिए से जो कुछ कार्रवाई करनी है वो ज़रूर करेगी। राहुल जी के सुरक्षा के बारे में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कोई समझौता नहीं कर सकते, कोई यहाँ वहाँ शॉर्टकट नहीं ले सकते। कल दो बम ब्लास्ट हुए, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए किया गया? हम नहीं कह सकते, ये खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी ही बता पा रही है। पर हमें विश्वास है कि अब तक जो हमें सहयोग मिला है प्रशासन से, खास तौर से यहाँ के एलजी से, उनके सलाहकारों से, सुरक्षा बलों से, वो बरकरार रहेगा। इस हादसे के बारे में जो कुछ इन्वेस्टिगेशन होने वाला है वो करेंगे, और कल 23 तारीख सुबह भारत जोड़ो यात्रा, करीब आज सुबह हम लोग कभी करीब 21 किलोमीटर चले, कल 22 किलोमीटर चलेंगे। कल दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा, वो पहले से ही प्रोग्राम बनाया गया था, पर 22 किलोमीटर ज़रूर हम चलेंगे और ज़रूर नरवाल से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी से ही हम गुजरेंगे जहाँ कल के हादसे हुए थे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की प्रशासन इतनी चिंतित है जितना हम चिंतित हैं। आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। सिक्योरिटी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जो कुछ हमें सलाह दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे, जो कोई हमें परिवर्तन करने हैं हम करेंगे, पर कल ज़रूर भारत जोड़ो यात्रा उसी एरिया से गुजरेगी।